आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसका नाम है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स। ये चैप्टर एक पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में, और उस इंडस वैली सिविलाइजेशंस में किस तरह से कल्चर्स थे, क्या थी एक्टिविटीज़, कौन कौन से पूरे किस तरह से इनमें मकानों के थे, ड्रेनेज सिस्टम क्या था, इनका क्राफ्टिंग सिस्टम क्या था, इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन है क्या? सिविलाइजेशन इज़ एन एनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी करेक्टरिस्टिक बाय अर्बन डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सिम्बॉलिक कम्युनिकेशंस फॉर्म, टाइपिकली वेट सिस्टम, ए प्रिक्यू सेपरेशन फ्रॉम एंड डोमिनेशंस द नेचुरल एनवायरमेंट बाय ए कल्चर इलाइट। सिविलाइजेशन क्या है? एक अर्बन डेवलपमेंट है, एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है। अब इस सिविलाइजेशन में हम लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या क्लियर करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। टेबल ऑफ कंटेंट्स हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर पीरियड्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, फिर मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पा आर्कियोलॉजीज, फिर अर्ली आर्कियोलॉजी कल्चर्स, फिर सबिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ द पीपल, फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा, फिर लेआउट ऑफ मॉडर्न जोदारों के बारे में, फिर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स, फिर ग्रेट पाथ और ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट सोशल डिफरेंसेस, ये पॉइंट्स। और फिर साथ साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारे फंड, जिसमें क्राफ्ट प्रोडक्शंस, आइडेंटिफाइड सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शंस, फिर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शंस कंटेंट विद डिस्टेंट लैंड, सील्स एंड सीलिंग्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सील्स एंड स्क्रिप्स, वेट, एंसेट अथॉरिटी, एंड ऑफ सिविलाइजेशंस और डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन एक्सप्लेनेशंस, फिर डिस्कवरिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशंस, फिर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और प्रॉब्लम फेस्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, और लास्ट में आर्कियोलॉजिस्ट अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पा पीपल। ये सारा चैप्टर हम लोग, ये सारे पॉइंट्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वैसे ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के जरिए आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शंस की बात करें तो बहुत ही ईजी पॉइंट्स है इसमें। इंट्रोडक्शंस में इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। इट स्टार्टेड फ्लोरिसिंग अलॉन्ग रिवर इंडस, जो पाकिस्तान में, एट अराउंड 2600 BC। हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज द लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ द सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। Its writing it not declared after 1900 BC. Most of the cities were embodied due to some reasons. By 1900 BC, major part of the civilization ended. ठीक है, अब बी सी क्या है, सी क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन ये आपके बुक के हिसाब से। अब इसमें क्या है, ये एक सील है, इस सील में एक लैंग्वेज है और ये एक यूनिकॉर्न दिया हुआ है जिसमें आपको पूरा का पूरा डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये साइट्स है जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशंस के बारे में, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, राखीगरी, कोठड़ी, चांदूदारो, धोलावीरा, लोथल, बालाकोट, कालीबंगा, नागेश्वर, ये उसका पूरा मैप है। एग्जाम में इस मैप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे मैप का डिस्कशन मैं इस चैप्टर्स के पूरे लास्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह सब दे दूंगा, साथ साथ में मैप के कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ अर्ली मैच्योर हड़प्पा सिटीज़ में पाकिस्तान में, ये बुक के हिसाब से आपको पूरा दिखाया हुआ है। अब मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पा आर्कियोलॉजिक्स में क्या था, 1875 में रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर चुनिगाम ऑन हड़प्पा सील, ये रिपोर्ट किया था 1875 में। फिर जॉन मार्शल अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन 1924 में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में हर बार पूछा गया। REM व्हीलर बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ ESI 1944 में। REM व्हीलर एक्सर्वेट एट हड़प्पा 1946 में। ASI के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASI, जो हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। इसके नोट्स और इस PPT के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको लास्ट वीडियो में या फिर लिंक दे दूंगा इस वीडियो के बाद में। SR Rao बिगिनिंग्स एग्जीबिशन एट लोथल 1955 में। BBL एंड BK ठापर बिगिन्स एग्जीबिशन एट कालीबंगा। MR मुगल बिगिन्स एक्सप्लोरेशन इन बहालपुर 1974। इस तरह से धोलावीरा में RS बिशिट्स बिगिन्स 1992। अब सबिस्टेंस स्ट्रेटजी ऑफ द पीपल, जो हमने पहले इस टॉपिक के अंदर जो आप देखेंगे, तो ये सबिस्टेंस स्ट्रेटजी थी, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब कर दिया ताकि इजी वे में समझ में आ सके। अब क्या था, सबिस्टेंस स्ट्रेटजी ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग हंटिंग एंड गैदरिंग, कल्टिवेशन, पेस्टोरलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये था। और जिसमें क्या था कि पीपल रिलाइड ऑन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर फॉर देयर फूड। देयर आर एविडेंस ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स विच प्रूफ दैट कि पीपल कंजर्व मीट, टेरिकोटा।
models of oxen, pluck, etc. So the people relied on agriculture. Two different types of food available to the people. मतलब ये है कि पूरी तरह से plants and animals are facing on agriculture पे dependent थे. कई ऐसी खुदाई में जानवरों की हड्डियाँ मिली है, plus कुछ plugs मिले हैं, कुछ terracottas, oxen मिले हैं, कुछ agricultures मिले हैं. Harappa ate wide range of plants and animals product including fish such as wheat, barley, lentils, chickpea and sesame at the Harappa. In Gujarat, millets have been found, rice was found rarely, bones of cattle, fish, fowl, sheep, goat. ये कुछ domestic type के थे जो मैंने पहले chapter में video में आपको बता चुका हूँ. ठीक है, ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जिसमें देखो टेरिकोटा का बोल्स इसमें यूज़ हुआ था. इरीगेशन मेथड्स आर प्रॉब्ली रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर्स. ट्रेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द Harappa साइट्स पंजाब और सिंध के अंदर. ठीक है, अब ये क्या था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ Harappa में क्या था जो मैंने अभी पढ़ा. द प्रिलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेट बाय फाइंड ऑफ ग्रेन्स. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैरीज आउट बाय द Harappas. टेरिकोटा स्क्रिप्चर्स ऑफ द बुल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द सील्स इंडिकेट दैट बुल वॉज नोन टू दैन. मोर ओवर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड टेरिकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग चौलिस्तान एंड इट्स बनवाली हरियाणा कालीबंगा. ये मैंने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको. ये टैल्स ड्रेस और टेरिकोटा ये हथियार है जो वो एग्रीकल्चर में यूज़ लेते थे. अब टाउन प्लानिंग ये मोहनजोदारो के बारे में जो एक अर्बन पूरा का पूरा सिटीज़ है उसके बारे में. मोहनजोदारो प्लान्ड है अर्बन सेंटर्स. ये इस तरह से ये लोअर टाउन था और इस तरह से ये डीके ए एरिया लोअर एरिया यहाँ पे सारे सिटीजन्स रहते थे जिसमें लोअर टाउन के अंदर. सिटाडेल है इसके बारे में हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे. पहले ये मैप आप पूरा देख लें. अब लेआउट ऑफ मोहनजोदारो. अब इस लेआउट ऑफ मोहनजोदारो में क्या था. द मोस्ट सेपरेटेड पार्ट ऑफ Harappa कल्चर स्ट्रक्चर इज द लार्ज स्केल टाउन लेआउट. द सिटी ऑफ मोहनजोदारो वॉज डिवाइडेड इंटू टू हेल्प्स द सिटाडेल एंड द लोअर सिटी जो अभी हमने देखा. सिटाडेल क्या था. इट वॉज बिल्ट ऑन मर्ड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स जिसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. इट वॉज वॉल्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन. ये लोअर टाउन से एकदम सेपरेट थी जो मिट्टी और ईंटों से बनी हुई थी. द सिटाडेल वॉज प्रॉपरली यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पज से यूज आती थी. द लोअर टाउन वॉज वॉल्ड सेवरल बिल्डिंग्स वर मेड ऑन द प्लेटफॉर्म दैट सर्व्ड एज फाउंडेशंस. लेबर वॉज मोबिलाइज एट ए वेरी लार्ज स्केल. द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इंप्लीमेंट. ब्रिक्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स वर यूनिफॉर्म इन साइज. द रोड एंड स्ट्रीट इन द लोअर टाउन लेड आउट इन ए ग्रिड पैटर्न था इनका. नो विंडोज अलॉन्ग विद द वॉल्स. अभी सारी इसके पिक्चर्स मैं आपको बता दूंगा. द मेन एंट्रेंस डिड नॉट प्रोवाइड व्यू ऑफ कोर्टयार्ड एंड इंटीरियर. एवरी हाउस हैड बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स विच हैज कंसर्ट थ्रू द वॉल एंड टू एंट्रेंस. ये सारे क्या है इसके सिटी मोहनजोदारो की सिटीज के बारे में फीचर्स है. ठीक है, एग्जाम इसके बारे में पूछा जाता है. ये देखिए, ये प्लानिंग ऑफ हाउसेस है. ये इनके हाउसेस की पूरी फोटोज है जो आप देख रहे हैं. ठीक है, ये सिटाडेल. सिटाडेल क्या है. वाइल मोस्ट अर्बन सेटलमेंट्स हैव ए स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट एंड ए लार्ज लोअर ईस्टर्न सेक्शंस. देयर वाज वेरिएशंस एट साइट्स सच एज धोलावीर एंड लोथल. द एंटायर सेटलमेंट्स वर फोर्टियर्ड एंड सेक्शंस विद टाउन वेर आल्सो सेपरेट बाय वॉल्स जो हमने पढ़ा अभी. ठीक है, ये ड्रेन इन मोहनजोदारो ड्रेनेज सिस्टम था कुछ इस तरह से. ये सिटाडेल, ये देखिए सिटाडेल डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स द लोअर ground and higher ground. The higher ground was known as citadel and the term means little city so called because it is a smaller part of the city of its defensive core. ठीक है, drainage system कैसा था. One of the skating features of Harappa citizens was the well-trained drainage system. Every house was connected to the street drains. The drains were made of mortar, lime and gypsum से बनते थे. They were covered with big bricks which lifted easily to clean the drains. ठीक है, इस तरह से इनका ड्रेनेज सिस्टम था. इन स्मॉलर सेटलमेंट सच एज लोथल द हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स एंड ड्रेन्स वर मेड. लिटल हीप्स ऑफ मटेरियल्स मोस्टली सैंड हैव फ्रीक्वेंटली बीन फाउंड अलोंग साइड द ड्रेन्स. ये देखिए ग्रेनरी सिस्टम. ग्रेनरी बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदारो वॉज फूड ग्रेनरी. डायमेंशंस क्या था. 47.5 लॉन्ग एंड 15.2 m वाइड था. लोकेशन क्या थी. वेस्टर्न एज ऑफ माउंट एट साउथ ईस्ट और ग्रेनरी बाथ एट मोहनजोदारो. ठीक है, ये ग्रेट बाथ, ये देखो ये बाथ ऐसा था पूरा मोहनजोदारो का. इसकी ग्रेट बाथ की लेंथ कितनी थी. 7.0 वेट था. डिप था 2.43. ये इसका पूरा ये मोहनजोदारो. मोहनजोदारो को माउंट ऑफ द डेड भी बोलते हैं. ये आर्कियोलॉजी साइट से प्रोविजन ऑफ सिंध पाकिस्तान में 2600 BC में ये फाउंड हुआ था.
ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट सोशल डिफरेंसेस। अब इसमें क्या था, स्टडिंग बुरियल्स। इस टॉपिक में हम लोग बुरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। बुरियल्स मतलब क्या होता है, जहाँ दफनाते हैं लोग को। स्टडी टू एनालाइज सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस अमंग पीपल लिविंग विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ बुरियल्स। ए बुरियल्स इन हरपा सिटीज, द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। सम ऑफ पिट्स वर लाइन बाय ब्रिक्स। सम ऑफ द बुरियल्स कंटेन ऑर्नामेंट्स, उसमें ऑर्नामेंट्स पोटरी भी डाल देते थे। कुछ लोग ईटों से ढक देते थे। इन सम इंस्टेंस द डेड वर बुरीड विद कॉपर मिरर्स। कॉपर मिरर में थे। ज्वेलरीज वर फाउंड इन बोथ मैन एंड वुमेन बुरियल्स, विच मीन द बोथ दैट बोथ मैन एंड वुमेन यूज ऑर्नामेंट्स। बट इन जनरल हरपन्स नेवर बिलीव इन बुरिंग प्रीसियस थिंग्स विद द डेड। ये बुरियल था, इसमें ये कॉपर मिरर था उसमें, जिसमें ये लोग बुरियल में करते थे। फाइंड इट आउट अबाउट क्राउड प्रोडक्शंस। अब बुरियल से पहले हम लोग ये हॉर्ड्स पढ़ते हैं। हॉर्ड्स क्या है, आर ऑब्जेक्ट कैप्ट केयरफुली बाय पीपल ऑफन इनसाइड कंटेनर्स सच एज पॉट्स। सच हॉर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी और मेटल ऑब्जेक्ट्स सेव्ड बाय रीयूज फॉर मेटल वर्कर्स इफ फॉर समर रीजंस फॉर ओरिजिनल ओनर्स। फॉर ये मैं हॉर्ड्स इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। अब फाइंड आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शंस, जो अभी हमने ये देखा क्राफ्ट प्रोडक्शन, इसमें क्या था, ये क्राफ्ट प्रोडक्शंस के बारे में, ये टूल्स एंड बीड्स है जिससे ये प्रोडक्शंस करते थे। और इसमें क्या है, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ए क्राफ्ट प्रोडक्शंस। द वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। स्टोन्स लाइक कंडीशंस ऑफ ए ब्यूटीफुल रेड कलर, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटिटाइट। मेथड्स क्या था क्राफ्ट मेटिंग में, समटाइम्स बीड्स वर मेड ऑफ टू और मोर स्टोन्स, ठीक है। और इसमें क्या था, दे आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, डिफरेंट शेप्स बनाते थे। दे मेड बैंगल्स लेडीज आउट ऑफ सेल्स। स्पेशल टूल्स वेर यूज फॉर क्राफ्ट्समैन। नागेश्वर एंड बालाकोट में स्पेशल सेंटर्स फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स। चंदूवाड़ा वॉज द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, इट वॉज स्पेशली इन बेस्ड मेकिंग, ठीक है। फिर क्या था, स्टडीज फॉर प्रॉकिंग मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शंस। Procuring materials for craft productions. The Harpa procured materials for craft production in various way. Two methods of procuring. They established settlements in Nageshwar, Balakot and Surtugu, and they might have spent expeditions to areas such as the Khetri regions of Rajasthan for copper and South India for gold. Nageshwar and Balakot area for sale. Surtugu in far off Afghanistan was the best source of lapis, lazuli and lothar, which was near sources of carnelian study from South Rajasthan and North Gujarat and metal for Rajasthan. Expeditions to the Khetri regions and South Indian established communications with local communities, ठीक है। अब कंटेंट विद डिस्टेंट लेंस ट्रेड रिलेशंस इन द विद द वर्ल्ड। अब ट्रेड क्या था, आर्कियोलॉजी फाइंड suggests that the Harpan maintain long distance trade. The main source of long distance contents include seeds, wheat, dyes and beads. ये था source of long distance. Harpa probably had trade contacts with the Oman Peninsula. Chemical analysis, Omani copper and Harpa artifacts. A Harpan jar coated with a thick layer. ठीक है, अब seal and sealing क्या था, इसके features पूछे जाते हैं। To facilitate long distance communications, when a bag of goods was sent from one place to another, its mouth was tied with a rope. Rope से बांध दी जाती थी और उस पर सील लगा दी जाती थी ताकि कोई communications का पता लग सके। ये देखो ये सील from rope पर, ये सील एंड सीलिंग, ठीक है। ये वेट सिस्टम था। एक्सचेंज आर रेगुलेट बाई प्रैक्टिस सिस्टम आर कॉल्ड चेयर्ड एंड जनरली क्यूबिकल। और उसमें वेट सिस्टम में क्या था, लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट ऑफ बाइनरी 1, 2, 4, 8, 6, 12, 8, 16, 32 एक्सेट्रा। हायर फॉलोड द डेसिमल सिस्टम। स्मॉलर वेट्स आर प्रॉपरली यूज फॉर वेटिंग ज्वेलरी एंड ब्रेड्स। मेटल स्केल पॉइंट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। ये देखो ये वेट सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब एंसेट्स अथॉरिटी। एंसेट अथॉरिटी मतलब क्या था कि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स put forward by the archaeologist over the central authority of Harpa. There are three major views about the existence of a central authority in Harpa society. Some archaeologists are the opinion that there were no rulers in the Harpan society. कोई ruler नहीं था, कुछ कह रहे हैं कि opinion that no single ruler but several rulers. Mohenjo-daro had a separate ruler Harpa and separate. मोहनजोदड़ो फिल्म पिक्चर देखी होगी, उसमें भी ये बताया हुआ है। सम अदर सजेस्ट दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट। दिस थ्योरी बेस्ड ऑन सिमिलरिटी आर्टिफैक्ट्स प्लान एंड सेटलमेंट्स। द लास्ट ओपिनियन कंसीडर्ड बीइंग मोर प्लॉजिबल एट्स इट डाउटफुल दैट सच कॉम्प्लेक्स डिसीजंस वाज मेड एंड कंप्लीट कलेक्टिव बाय एंटायर कम्युनिटीज। द एंड ऑफ सिविलाइजेशंस। अब इस एंड ऑफ सिविलाइजेशन में
कि सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। बाई 1800 BC मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन सिटीज वर अपॉइंटेड। द एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स माइग्रेशन टुक प्लेस टुवर्ड्स गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। आफ्टर 1900 BC साइट्स वर एक्सटेंडेड मार्क्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल कल्चर। सेवरल एक्सप्लेनेशंस डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या था, कुछ लोग क्या कहते थे कि एंड ऑफ स्टिल अननोन बट प्रॉब्ली रीजन था, क्लाइमेट रीजन था, डिफॉरेस्टेशन था, एक्सेसिव फ्लड्स था, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप था, सेफ्टिंग और ड्राइंग अप द रिवर्स था, सेफ्टिंग रिवर्स या सूख गई रिवर्स की वजह से था। इस तरह से कुछ ऐसे रीजन्स बताए जिसमें एंड ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया। अभी एविडेंस ऑफ एन इन्वेशंस की डेडमैन लैन इज ए नैरो वैली। अब इसमें सारे ये सारे एविडेंस है। R.M. विलर था, डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI था, ठीक है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। ये देखिए इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, हो सकता है इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ये जॉन मार्शल के बारे में और R.E.M. विलर के बारे में, है ना। ASI की फुल फॉर्म आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये अभी 2020 के एग्जाम्स में, अभी 12th के एग्जाम्स ये क्वेश्चन पूछा गया था। चुनीगाम्स एंड इज कन्फ्यूजन्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनीगाम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, ही वॉज नोन एज ए फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ही बिगेम आर्कियोलॉजी इवेशन इन द मिड 19th century, ठीक है। ये इसके बारे में पूरे की पूरी चीज़ें, ही यूज द अकाउंट्स लेफ्ट बाई चाइनीज पिलग्रिम्स हु हैड विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 4th and 7th centuries। ये एक एक पॉइंट्स मैंने कवर किया है इसमें, और ये सारे के सारे पॉइंट्स इस ये क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। ये साइट माउंट्स एंड लेयर्स, साइट्स क्या है, माउंट्स क्या है और लेयर्स क्या है, ठीक है, साइट्स क्या है। व्हेन पीपल कंटिन्यू टू लिव इन द सेम प्लेस देयर कंस्टेंट यूज एंड रीयूज ऑफ द लैंडस्केप रिजल्ट्स इन द बिल्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल डिवाइस कॉल्ड ए माउंट। रेगुलर रहते हो आर ब्रीफ ऑफ परमानेंट अबॉडमेंट रिजल्ट्स इन अल्टरनेशन ऑफ द लैंडस्केप बाई विंड और वाटर एक्टिविटीज। ऑक्यूपेशन आर डिटेक्टेड बाई ट्रेसेस ऑफ एंसेंट मटेरियल्स वे फाउंड इन लेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन ये व्हीलर के बारे में, ये प्रॉब्लम्स क्या थी उसके बारे में, ये देखिए प्रॉब्लम्स के बारे में आ गया। ये हम लोग लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं कि इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स क्या थी। प्रॉब्लम फेस में आर्कियोलॉजी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पा क्या थी, कि हड़प्पन स्क्राइब इज नॉट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन में स्क्रिप्ट मिले वो कोई हेल्प नहीं थे। मटेरियल रिमेंस हेल्प द आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पा लाइफ। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज क्लोथ, लेदर, वुड एंड रीड्स जनरली डिकम्पोज वाइल स्टोन बर्न्ट क्ले सच एज पोटरी टूल्स ऑर्नामेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। द सेकेंड एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इज इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिकल इज ए टूल और ऑर्नामेंट। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन एंड आर्टिक्राफ्ट इज ऑफन शेप्ड बाय इट्स रिसेंबल्स विद प्रेजेंट डे थिंग्स। तो ये पूरा, अब ये देखिए ये टाइमलाइन आ गई पूरी की पूरी। अब ये सारे क्वेश्चंस आ गए जो मैंने इस पूरे चैप्टर में पूरी PPT में दिए हैं। इस PPT का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, ताकि आप इसको आराम से इसको डाउनलोड करके इसके सारे क्वेश्चंस को, ये मैप क्वेश्चन आ गया, ये साइट्स ऑफ एग्रीकल्चर्स कौन कौन से था, ये सारे मैप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये मैप के क्वेश्चंस हैं। ये मैप अभी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है कि साइट्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शंस, साइट्स ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, और ये पूरा मैप के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर वगैरह सब पसंद आया होगा, या पसंद मतलब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये देखिए ये इनका बुरी, इनको इस तरह से दफनाते थे, ये इनका कंकाल मिला है जिनके आसपास ये ऑर्नामेंट्स वगैरह पड़े हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।